पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर गुस्सा था। हर किसी ने पाकिस्तान पर एक बड़ी कार्रवाई की मांग की थी। बॉलीवुड स्टार्स ने भी इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी और अपना गुस्सा जाहिर किया था। अब हाल ही में भारत ने एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसे सबक सिखाया है। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। बता दें कि भारत की इस जवाबी कार्रवाई के बाद बॉलीवुड स्टार्स ने भी मोदी सरकार का समर्थन किया है और अपनी खुशी जाहिर की है। चलिए दिखाते हैं आपको ऐसे ही कुछ ट्वीट्स। परेश रावल, धन्यवाद नरेंद्र मोदी सर और हमारी सेना के बहादुरों को, जय हो। अनुपम खेर, भारत माता की जय। टुडे विल बी अ गुड डे टू स्टार्ट सैल्यूटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू। अशोक पंडित, हवन की शुरुआत हो चुकी है। 26 फरवरी को 3:30 बजे मिराज 2000 इंडियन फाइटर ने LOC के पार जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड पूरी तरह तबाह किए। POK में हमला हुआ जो कि हमारा है, इसलिए हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। वंदे मातरम। चुन चुन के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, जवानों को सलाम, वंदे मातरम। अजय देवगन, मेस विद द बेस्ट, डाई लाइक द रेस्ट, सल्यूट इंडियन एयरफोर्स नरेंद्र मोदी। तुषार कपूर, इंडिया स्ट्राइक्स बैक, जय हिंद। अभिषेक बच्चन, नमस्कार करते हैं। करण कुंद्रा, हाउ इज द जैश नाउ, बालाकोट सल्यूट द इंडियन एयरफोर्स। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक करके बदला ले लिया है। खबरों की माने तो भारत के 12 मिराज 2000 जेट ने पाकिस्तान में 1000 किलो के बम गिराए हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने POK के मुजफ्फराबाद, चकोटी और पाकिस्तान के बालाकोट में हमले कर कई आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया है। कहा जा रहा है कि इस एयर स्ट्राइक के चलते लगभग 200 से 300 आतंकियों को ढेर कर दिया है।